मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज की सौगात के साथ ही लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का लाइव प्रसारण के माध्यम से पंजीयन का शुभारंभ किया है। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रद्द हो गया था, मगर लाइव प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। टीकमगढ़ शहर के स्वर्गीय नारायण दास खरे स्टेडियम में 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मेडिकल कॉलेज की नींव रखने और लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु टीकमगढ़ आना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रद्द हो गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने लाइव प्रसारण से खेद प्रकट करते हुए विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 450 में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की सौगात दी है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। देखो जी, तो हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है, और चूंकि बरसात अधिक होने के कारण उनका हवाई जहाज नहीं उड़ पाया, जिससे वो टीकमगढ़ नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअली उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और 450 रुपये में जो लाडली बहना है उनको सिलेंडर देने की इस योजना का शुभारंभ किया, और साथ में जो उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी बहना है उनको भी 450 रुपये में सिलेंडर देने की शुरुआत आज से हमारे मुख्यमंत्री ने कर दी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के यशस्वी और जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने 268 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की सौगात टीकमगढ़ विधानसभा और टीकमगढ़ जिले को दी है। साथ ही जो हमारी लाडली बहनें हैं जिनकी ज़िंदगी में खुशहाल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उन लाडली बहनों के लिए 450 रुपये में सिलेंडर देने की योजना का प्रारंभ भी आज टीकमगढ़ की धरा से किया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वर्चुअली आज उद्घाटन इसका भूमि पूजन हो चुका है और सिलेंडर की योजना का शुभारंभ हो चुका है, और यह योजना दोनों योजनाएँ कल से धरातल पर नजर आएंगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में नहीं आ पाए, संपूर्ण टीकमगढ़ विधानसभा संपूर्ण जिले की जनता इस कार्यक्रम में शामिल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री नहीं आ पाए, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रिय जनता से क्षमा और माफ़ी मांगता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौसम खराब होने के कारण हम सबके बीच में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअली हमारा उद्घाटन मेडिकल कॉलेज का किया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आज टीकमगढ़ जिले का बहुत सौभाग्य है, जो कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुल जाए टीकमगढ़ जिले में, और हम सबका सपना था कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए, उसका आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअली किया है। वो पूरा मन था उनका आने का, 2 बार कार्यक्रम भी पिछली बार भी बना था, इस बार भी इतनी बारिश हो रही थी वहाँ पर, तो बारिश के कारण से हेलीकॉप्टर से आ नहीं पाए, लेकिन वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया है, भूमि पूजन किया है, और बहुत बड़ी सौगात मिली है। कई वर्षों से लोग यहाँ परेशान थे मेडिकल कॉलेज के लिए, लाडली बहनों के लिए आज हमने 2 फॉर्म भरे। बड़ा टीकमगढ़ जिले का सौभाग्य है कि टीकमगढ़ जिले से लाडली बहनों के लिए 450 रुपये में, हर लाडली बहन को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने की जो स्कीम है वो टीकमगढ़ जिले से आज उसका शुभारंभ हुआ है, और पूरे देश में यहाँ टीकमगढ़ जिले की एक रेकवार और एक साहू, 2 महिलाएँ प्रथम द्वितीय महिलाएँ हैं जिनके थ्रू उद्घाटन हुआ आज, और बहुत बड़ी योजना है। बहुत काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि गैस सिलेंडरों का रेट कम होना चाहिए, तो गैस सिलेंडरों का रेट जितना लोग चाहते थे उससे भी कम हो गया, 450 तो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन 450 हो गया, बहुत बड़ी सौगात है। और आज टीकमगढ़ जिले का बहुत सौभाग्य कि इतनी बड़ा मेडिकल कॉलेज, जिससे पूरे हमारे यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। जो लोग मेडिकल के लिए बहुत परेशान होते थे, झांसी जैसी मंडी में जाकर इतने पैसे उनके लग जाते थे, तो उससे वो बचेंगे और यहीं पर अच्छे से अच्छा उपचार उनको टीकमगढ़ ज़िले में मिलेगा। इससे ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है टीकमगढ़ वासियों के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। राहुल जी, मऊगंज के एक विधायक है प्रदीप पटेल भाजपा, उन्होंने रामकृष्ण पर एक किताब लिखी है और हमारे यहाँ टिप्पणी की, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी मैंने किताब पढ़ी नहीं है, तो उस टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है, जब पढ़ेंगे तो उसके बाद टिप्पणी करेंगे, लेकिन आप सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।